मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के डिस्को किंग, इन्हें हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 8 अक्टूबर को इन्हें यह सम्मान दिया गया। इसके पहले भी इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और इसके पहले अगर जाएं तो 3 नेशनल अवार्ड के अलावा कई फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के वो अभिनेता हैं जो आज भी फिल्मों में एक्टिव हैं और अपनी आने वाली फिल्मों में वो दिखेंगे। और वो आने वाली फिल्में कौन कौन सी हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उनकी 6 अपकमिंग मूवीज हैं जिनकी लिस्ट हम आपके सामने सबूत के साथ लेकर आए हैं। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि लाहौर 1947 यानी कि लाहौर 1947 में नजर आएंगे और यह फिल्म 2025 में आएगी। इस फिल्म में सनी देओल होंगे। इस फिल्म को बना रहे हैं आमिर खान और खबर पक्की है कि इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती भी नजर आएंगे। रोल क्या होगा, किरदार क्या होगा, ये आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। लेकिन लाहौर 1947 में मिथुन दा भी नजर आएंगी। इसके अलावा कॉमेडी फिल्म हाउसफुल की अब तक 4 सीरीज आ चुकी हैं और सेकंड सीरीज यानी कि हाउसफुल 2 में मिथुन चक्रवर्ती नजर आए थे। अब एक बार फिर से हाउसफुल 5 बनने की तैयारी चालू है और यह फिल्म भी 2025 में ही आएगी। इस फिल्म में भी मिथुन चक्रवर्ती का नाम काफ़ी तेजी से है और खबर पक्की बताई जा रही है जो सबूत के साथ हम आपको अंत में दिखाने वाले हैं। इसके अलावा द ताशकंद फाइल, द कश्मीर फाइल के बाद द दिल्ली फाइल भी आने वाली है और इसका भी शेड्यूल डेट 2025 ही दिखाया जा रहा है और इस फिल्म में भी मिथुन दा नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको फिल्म रिवाज के बारे में तो पता ही होगा। इस फिल्म में अनीता राज, जया प्रदा मिथुन चक्रवर्ती के साथ नजर आने वाली हैं। इसके अलावा इस फिल्म में आफ्ताब भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ नजर आएंगे, जिसकी फोटोज, तस्वीरें और कुछ वीडियोज भी सामने आए थे। इस फिल्म की शूटिंग भी जारी है और बहुत जल्द यह फिल्म रिलीज की जाएगी। कहा यह भी जाता है कि यह फिल्म बनके कंप्लीट है और प्रोडक्शन में पड़ी हुई है। इसके अलावा फिल्म बाप के बारे में तो बताने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसका BTS वीडियो, लुक, पोस्टर और किरदार सब के सब रिवील हो चुके हैं। इंतजार है फिल्म का कि आखिर फिल्म कब आएगी। तो बता दें कि फिल्म 2024 में अंत में बताया जा रहा था रिलीज होने के लिए। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये फिलहाल हम कंफर्म नहीं करते हैं, लेकिन 2025 में यह फिल्म आएगी। इसके अलावा अभी हाल ही में आपने देखा होगा इनकी और प्रभास यानी कि मिथुन चक्रवर्ती और प्रभास की आने वाली फिल्म फौजी भी है जो कि 1940 की कहानी को दर्शाएगी और इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ जया प्रदा भी नजर आएंगी। और इसकी भी रिवीलेशन हो चुकी है और खबर ये भी पक्की है कि मिथुन चक्रवर्ती और प्रभास इस फिल्म में यानी कि फिल्म फौजी में एक साथ नजर आएंगे। अब आप सबूत देखिए, गूगल पर जब सर्च किया गया मिथुन चक्रवर्ती अपकमिंग मूवीज तो टॉप लिस्ट में यही नाम आ रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम आपको यह अपडेट दिए हैं। अब आप इस खबर से और मिथुन चक्रवर्ती की आने वाली इन फिल्मों का कितना इंतजार कर रहे हैं, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।